बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर काश्त कमाद के लिए खादों का शेड्यूल। कमाद की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बारी मेरा जमीन का इंतखाब करें। ताहम कमाद की काश्त हल्की मेरा और मेरा जमीन में भी की जा सकती है जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। कमाद काश्त करते वक्त जमीन हमवार नरम और भुरभुरी हो। कमाद की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मुतनासब खादों का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। कमज़ोर ज़मीन के लिए 2 बोरी DAP या इसके मुसावी, 2 बोरी पोटाश और 5 बोरी यूरिया की ज़रूरत होती है। दरमियानी ज़रखेज़ ज़मीन के लिए 2 बोरी DAP या इसके मुसावी, 2 बोरी पोटाश और 4 बोरी यूरिया की ज़रूरत होती है। ज़रखेज़ ज़मीन के लिए 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश और 3 बोरी यूरिया की फी एकड़ ज़रूरत होती है। किसान दोस्तों, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए एक बात जहन नशीन कर लें कि फास्फोरस और पोटाश की सारी मिकदार बुआई से कबल सियाड़ों में डाल दें, जबकि नाइट्रोजन खाद के 3 हिस्से करें और 3 ही किस्तों में डालें। किसान दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।